दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के ऋषि नगर स्थित विकलांग सहायता केंद्र में भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब का वार्षिक समागम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने समागम को संबोधित करने के उपरांत जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल भी वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट द्वारा संचालित विकलांग सहायता केंद्र की ओर से असहाय व विकलांग व्यक्तियों की सहायतार्थ किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव नरेंद्र मित्तल ने कि वर्ष 2013-14 के दौरान विकलांग सहायता केंद्र ने 42,704 लोगों को कृत्रिम अंग बिल्कुल निशुल्क बांटे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पॉली क्लिनिक सेक्शन में 22,388 मरीजों का उपचार किया गया। इस मौके पर राकेश सहगल, डॉक्टर राजेश पुरी, डॉक्टर राजेश मनन, रमेश विज, यशपाल गुप्ता, सुमन गुप्ता, अरुणा पुरी, डॉक्टर कुलदीप, नीलम गुप्ता, पंकज जिंदल, डॉक्टर लाजपत राय, पवन अग्रवाल, आरबी गुप्ता, सुनीता इटली, डॉक्टर गगनदीप नेगी भी उपस्थित हुए। लुधियाना से कैमरामैन अर्शदीप सिंह के साथ सुरेश गर्ग की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद का एक कार्यक्रम से जिन्होंने मानवता की सेवा दे लई और विशेष तौर पर विकलांगता वर्ग सैक्टर के सेवा कर रहे, चाहे आर्टिफिशियल लैम्स है और चाहे वह ट्राईसाइकल या होर दूसरे उन्होंने फौड़ियाँ वगैरह ये देंदे है। और मेरा मंत्रालय भी इतफाक नाल उही काम करता है जो भारत विकास परिषद करता है। सो अज इन्हां दे इस कार्यक्रम दे विच आए हैं और नाल नाल जिथे इन्हां ने दस्या कि इन्हां नूं आउण वालियां जिहड़ियां मुश्किलां तों दरपेश हुंदे आ उन्हां दे सहायता लई जिथे भी साडी मिनिस्ट्री इन्हां दी मदद कर सकदी है उह असीं करांगे। और इस काम तां कि मानवता दी सेवा दे विच होर वध के काम करन इहदे लई जिन्नी भी बणदी ग्रांट आ उस दी